अभी हम भिंडी की सब्जी बनाने जा रही हूँ। ये भिंडी है, इसको हम पहले खूब अच्छी तरह से पानी से धो लेते हैं। इसको अब क्या करेंगे, भिंडी को हम काट लेंगे। इसको छोड़ी से हम लोग इस तरह से क्या करेंगे, इसकी जो ये भाग है पीछे वाली, इसको पहले काट लेंगे और फिर ये वाली भाग को थोड़ा सा काट लेंगे। जैसे कि देख रहे हैं ये इस तरह से कट जाएगी, इस तरह से, इस तरह से। ये थोड़ा लगता है और कटेगा, इसको थोड़ा और काट लेंगे पीछे भाग से, इस तरह से काटेंगे। मेरी भिंडी कट चुकी है, देख रहे हैं, सब तैयार हो गई है कट के। इसकी मैं सब्जी बनाऊंगी और इसके लिए मसाला है, ये जो मसाला लिए हैं इसमें है टमाटर, अदरक, मिर्ची, गोलमरीच, धनिया जीरा और हल्दी। इसमें लाल मिर्च पाउडर कश्मीरी ले सकते हैं और लहसुन प्याज भी इसमें हम पीस सकते हैं। ये बिना मैं लहसुन प्याज के बना रही हूँ। अब क्या करते हैं, इस मसाले को हम लोग मिक्सी में पीस लेते हैं। इसको काट लेंगे, टमाटर को काट लेंगे, ऐसा करते हैं कि अब सब्जी की तैयारी कर रहे हैं। थोड़ा सा तेल हम डाल दिए मात्रा के अनुसार, जितनी मेरी भिंडी की सब्जी बनानी है मुझे, तो थोड़ी सी भिंडी है तो थोड़ी सी मात्रा के अनुसार में थोड़ा सा ही तेल डालेंगे। अब ये डाल रहे हैं जीरा। यदि आपको जीरा डालना पसंद है तो उसमें डाल सकते हैं इस तरह से जीरा, चाहे बहुत को पंचफोरन भी डालते हैं, तो मैं जीरा डाल रही हूँ। अभी थोड़ा लाल हो जाएगा तो फिर हम भिंडी डाल के इसको फ्राई करेंगे। सब करते हैं भिंडी को हम तेल में गरम गरम करेंगे, थोड़ा सा पहले हाथ में लेकर डालेंगे, सब बर्तन लेके उसमें ढाल देंगे क्योंकि डालने के बाद हम किस तरह से इसको हम डाल सकते हैं, इसको फ्राई करेंगे 3 दिन तक। थोड़ा सा ही नरम हो जाएगी फ्राई करने पर, उसके बाद हम क्या करते हैं थोड़ा नमक डालते हैं, जैसे आपको खाना है नमक। कुछ लोग ज़्यादा नमक खाते हैं तो नमक डाल दें, ऐसा है कि हमारा भिंडी फ्राई हो चुकी है। अब इस भिंडी में हम क्या करेंगे, हम मसाले को डालेंगे। इसी मसाले हैं जो मैं दिखाई थी, टमाटर को काट के आप उसके लिए टमाटर को उसमें काटते हैं, जैसे कि देख रहे हैं हमारा दिल की तरह से मसाले कटने लगे हैं कढ़ाई में, हमारी दिल में मसाला फ्राई हो चुकी है। हम क्या करेंगे, पानी में डाल देंगे,
लवण पानी डालेंगे, जो गार्लिक राम पानी डाल दी थी, मसाला मिसाले थे उसको पानी भी हम डाल दिए थे। थोड़ा बहुत भी लगा रहेगा गैस में, पानी के साथ इसमें आ जाएगा हमारी सब्जी। अब इसको हम क्या करेंगे, कुछ देर के लिए उबलने देंगे, बर्तन में से ढक देंगे। इसमें हम कश्मीरी मिर्च यदि हम डालते हैं ज़रा अच्छा, तो उसमें थोड़ा कलर चला आता है रेड लाल रंग। ऐसा करते हैं ना, सब्जी को मीठी का देख लेते हैं, देख रहे हैं हमारा सब्जी इस तरह का तैयार हो रहा है। इस तरह का भी आप निकाल सकते हैं। तो हम निकालने के लिए क्या करेंगे, स्टोव से इसको नीचे उतार लेंगे, बंद कर देंगे। उसके बाद कल्चर को नीचे उतार देंगे। हमारी इस तरह से भिंडी तैयार हो चुकी है। सब्जी को हम बर्तन में निकाल देते हैं, सब्जी तैयार हो चुकी है। इस तरह से हम बिना लहसुन प्याज का जिस तरह से भिंडी की सब्जी बनाया है, वैसे लहसुन प्याज मसाले में पीस के भी हम बना सकते हैं। से बनाकर आप ट्राई करके देखिएगा। धन्यवाद, और मुझे कमेंट में लिख के बताइएगा सब्जी आपकी कैसी बनी थी।